अब हमने यहाँ पे भी टाइल प्लेस कर दी है सेम प्रोसेस से जैसे हमने वहाँ पे टाइल प्लेस की थी। अभी हमने यहाँ पे भी टाइल प्लेस कर दी है, लेवल मेज़र कर लिया है जो हमने लेवल लगाया था, वाटर लेवलिंग ट्यूब से। तो सेम लेवल से हमने इसकी हाइट मेज़र करी है। अब हम वहाँ पर अपनी टाइल प्लेस करेंगे। हमने टू कॉर्नर्स में अपनी टाइल प्लेस कर ली है एट दिस पॉइंट एंड अनदर इज दैट पॉइंट, एंड अब यहाँ पे हम प्लेस करेंगे। एंड जो हम यहाँ पे टाइल प्लेस करेंगे वो हमने पहले ही कट करके रख ली है, और ये हमारी टाइल है तो इसको हम प्लेस करेंगे यहाँ पे। एंड आप देख रहे हैं प्लेस कर रहे हैं जैसे, तो 1 और 2 इंच का जो हमारे पास मोर्टार मिक्स होगा वो हमने लगाया है, लगाने की हमारी पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं हम। ज़्यादा मोर्टार मिक्स हम बिल्कुल भी नहीं देंगे, अगर हम ज़्यादा दे देंगे तो इन फ्यूचर अगर हमारा मोर्टार मिक्स नीचे बैठ जाता है, पर वो बैठेगा नहीं। हमने PCC दिया है, PCC के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, पर इसका जो रेशो होता है 1:8 होता है PCC का रेशो। लेकिन हमने यहाँ पे PCC ना देकर स्क्रीडिंग दी है। स्क्रीडिंग और PCC सेम ही होता है, बस नाम का डिफरेंस है। वो कहाँ कहाँ देंगे हम वो मैं आपको बताऊंगा, एक अपनी वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। बस आपको मैं इतना बता देता हूँ कि स्क्रीडिंग PCC ही होती है। पॉइंट कि जब आप टाइल को फिक्स कर रहे हैं, टेपर में दे रहे हैं, तो हमने यहाँ से जो है थोड़ी सी टाइल आउटसाइड निकाली है, क्योंकि टाइल जो होगी हमारी यहाँ पे अगर टाइल होती भी नहीं है तो हम जो हमारा जो आउटसाइड पोर्शन है इसको हम सीमेंट सीमेंट से कवर कर देंगे। इसके लिए ये हमने क्यों किया है जैसे आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो थोड़ा सा आप देख रहे हैं, ये हल्का सा हमने आउटसाइड किया है। एंड इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर हम बिल्कुल इस कॉलम के पॉइंट से दे देते हैं तो यहाँ पे अगर कोई अपना फुट स्टेप रखेगा तो टाइल ब्रेक करने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब टाइल क्रैक करने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि तो हमें लगता है कि अगर हम इसको लेवल में रखेंगे तो टाइल क्रैक नहीं होगी, लेकिन ये हमारी थिंकिंग जो है बिल्कुल रॉन्ग है। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि जो आप सोचते हैं वैसा होता नहीं है। अगर आप उसको इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। सो ऑलवेज रिमेम्बर कि जो भी हमारा यहाँ पे साइड से हमें टाइल होगी वो में हमें हमेशा साइड से करनी है, क्योंकि अगर नीचे नीचे भी हमारी टाइल लगती है तो वो लेवल में हो जाएगा। तो उसी लेवल के अकॉर्डिंगली हमें जैसे 60 mm होगा तो 60 mm हमें आउटसाइड रखना है। प्लस जो हमारा यहाँ पे मोर्टार मिक्स लगेगा जो उसकी थिकनेस होगी वो लेके हमें वो आउट कर लेना है। अब हमारा नीचे हमारे पास टाइल भी नहीं लगेगी ना ग्रेनाइट लगेगा, तो हमारे प्लास्टर रहेगा, इसके ऊपर पेंट करवाएंगे हम। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 1.5 इंची के आसपास ये हमने टाइल आउट करवा दिए, आउट कर दिया यहाँ पे, और ये हमारा सीमेंट हो जाएगा। अब आफ्टर टेपर टेपर करने के बाद हम अब थ्रेड से गुनिया मिलाएंगे। ये चेक हो रहा है हमारा विद द हेल्प ऑफ टाइल। टाइल के ऊपर हम थोड़ा सा टाइल का पीस रख लेंगे। अभी देखिए इसको पेपर में पूरा चेक कर लिया था हमने वाटर बबल से, बट वाटर बबल से चेक करने के बाद अब हम एक टाइल के पीस पे अपना थ्रेड टाइटली करके दूसरी टाइल पे हम उसका पेपर चेक करेंगे। तो वहाँ पे उसने टाइटली प्लेस कर रखा है थ्रेड को टाइल पे। गुनिया में नहीं है बिकॉज ऑफ ये थोड़ा टेढ़ा है, क्योंकि कटाई कटाई ही ऐसी है। तो अब हमें हमारा ये फ्रंट पोर्शन टाइल में कटिंग ना आए, सीधा रहे, तो उसके लिए हम थ्रेड से चेक करेंगे। तो वो उन्होंने अब चेक कर लिया है। अब जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया था वो मैं आपको लाइव भी दिखा देता हूँ कि क्या होता है। ये जैसे यहाँ पर इन्होंने टाइल के ऊपर थ्रेड रखा, एंड वहाँ पे भी टाइल के ऊपर थ्रेड रख लिया है। नाउ अब इस टाइल को हम इस थ्रेड के अंडर पास करेंगे, और जो हमारा टाइल जो थ्रेड होल्ड होना चाहिए वो बिल्कुल टाइट होना चाहिए। देखो ये बिल्कुल लेवल में मिला इनको सेंटर से।
देखिए, देख रहा हूँ अब इसके अंदर आप देखें कि जो हमने अभी थ्रेड लगाया है उसके अंदर आप देखो हाइट कितना ऊंचा नीचा हो रहा है। अगर हम थ्रेड को बिना टाइल के ऊपर रखेंगे तो हमें एग्जैक्ट टेपर नहीं पता लगेगा, क्योंकि देखिए इन्होंने इस पॉइंट पे अटैच किया है और वहाँ पे उस पॉइंट पे अटैच किया है और उसके बाद भी सेंटर से हमारा को उस टाइल के बिल्कुल अपर कॉर्नर पे पकड़ा है, लेकिन जो हमारा यहाँ पे थ्रेड है वो देखो नीचे प्लेस हो रहा है यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो हमने इसको वहाँ पे डायरेक्ट थ्रेड को करके यहाँ पे हमने पेंसिल से मार्क कर लिया है। ये हमने मार्किंग इससे दी है कि जो ये टाइल का जो ये यहाँ से जो आउटर पॉइंट जाएगा फर्स्ट टाइल का वो यहाँ से जाते ही उस टाइल के इधर तक आना चाहिए, क्योंकि अब ये भी हमारा टेढ़ा है तो वहाँ से टाइल कट हो जाएगी ताकि बराबर हमें दिखे, और अगर यहाँ से पॉइंट मिलाते हैं तो वहाँ से टाइल अप हो जाता है। देखो वहाँ से टाइल अप हो गया अब उस पॉइंट से, पॉइंट बताया था उसके अंदर हमारा अगर हमारे टाइल में होगिंग है, होगिंग का बेंड है तो उसको हम प्लेस कर देंगे, और अगर हमारे टाइल में सैगिंग का बेंड है तो उसके ऊपर हम सीमेंट का कोई भी एक बैग या फिर डस्ट डस्ट से भरा हुआ बैग रख देंगे ताकि जो उसकी सैग है वो लेवल में आ जाए और वो स्ट्रेट हो जाए पॉइंट। जैसे सैग है तो उसको हम स्ट्रेट कर देंगे, वो होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हम प्लेस कर देंगे। अब हमने टेपर करने के बाद हमने फर्स्ट लेयर ऑफ आवर टाइल हमने प्लेस करनी स्टार्ट कर दी है, और उसके लिए हमने बीच में ग्राउटिंग दी है, और ग्राउटिंग के लिए हमने स्पेसर का यूज़ किया है। ये स्पेसर है 4 mm का, ये 4 mm का स्पेसर आता है। अब जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा हाउस है वो गुनिया में नहीं है, तो जो हमारी ये वॉल है ये टेढ़ी जा रही है, तो इसके अच्छे से प्रॉपर टाइल हमारा अच्छे से प्लेस हो जाए इसके लिए यहाँ पर ये कटिंग चल रही है, तो इस कटिंग को प्रॉपर करके यहाँ पे टाइल प्लेस कर देंगे। अब हमें जो हमारी सीमेंट सरी होगी 1:1 की, वो मोर्टार मिक्स के ऊपर अच्छे से प्लेस करके, ये देखिए इन्होंने अच्छे से सीमेंट स्लरी डाल दिया है कि जो पानी है वो मोर्टार मिक्स में चला जाए, बिकॉज हमारे मोर्टार मिक्स में भी 1:6 में सीमेंट थी। एंड अब हम जो सीमेंट स्लरी डाल रहे हैं उसमें तो सीमेंट है ही, प्योर सीमेंट, बस वाटर जो इंग्रेडिएंट है वो हेल्प कर रहा है मिक्स मोर्टार मिक्स के अंदर भी अंदर जाके स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का। उन्होंने प्लेस कर दिया है और फिर विद द हेल्प ऑफ हैंड्स ये इसको ऊपर से थपकी दे रहे हैं और स्पेसर इंसर्ट कर दिया दोबारा, एंड अपने हैमर से हैमर के जो दूसरा दूसरा पॉइंट होता है वहाँ से इसको टैप करना है, टैप करके अच्छे से प्लेस कर देना है, क्योंकि जो स्पेसर होता है हमारा 4 कॉर्नर में होता है, से जो स्पेसर है हमारा 4 कॉर्नर में होता है, और स्पेसर हम इसको इधर ऐसे लगा देंगे। यहाँ पे हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि क्योंकि जो स्पेसर की ये साइड है ये हमें इन दोनों को सेम लाइन में प्रोवाइड करवा रही है, और जो वो स्पेसर का जो वो एरिया है तो इन दोनों को सेम लेवल में प्रोवाइड करवा रही है, जो इन दोनों की अलाइनमेंट होगी वो स्पेसर के इन दोनों पॉइंट की वजह से सेम हो जाएगी।